मुझे ना चैलेंज हारना मंजूर नहीं है, सामने वाले को मारना मंजूर है। जानती थी घोर नृत्य योग चल रहा है, फिर भी पटर 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 जुबान चलानी जरूरी। इसकी लाश को ठिकाने कहां लगाऊं? चल पंडिताइन, तेरा काम भी तमाम। क्या लाया? सोचो सोचो, ध्यान से सोचो। कुछ याद आया? एक काम करते हैं, थोड़ा पीछे जाओ, इस युग में नहीं बहुत पीछे, द्वापर में भी नहीं, सतयुग में। सतयुग में शायद तब तुम्हें इंसानी अवतार भी नहीं मिला था, याद है? हाँ, वो मैं ही थी, नागेश्वरी, जिस पर चीलों ने हमला किया था, हमारे जन्मों के दुश्मन। लेकिन उस वक्त तुम कहाँ थे? ये मुझे याद है, लेकिन तुम कहाँ हो? रोशनी की किरण, तेज किरण तुम थे। लेकिन क्या हो तुम? कौन हो? कौन तुम? और अभी तक कलयुग में तुम कहाँ थे? और उस युग, सतयुग में तुमने मुझे क्यों बचाया? मेरे सवालों इतने सवाल। खैर छोड़ो ये सब कि कौन गलत होता है, किसने क्या गलत किया, किसने कितने गलत फैसले लिए। एक काम करो, चलो मेरे साथ। नहीं, मैं तब तक तुम्हारे साथ नहीं आऊंगी जब तक तुम मुझे साफ साफ ये नहीं बता देते कि तुम हो कौन। हाथी नागिन, इतने सवाल, कौन हूं क्या हूं, बताता हूं ना कि कौन हूं। चलो मेरे साथ। सो गाइस, पानी मुझसे पूछ रही है कि मैं कौन हूं। मैं कौन हूं? फनी राइट? क्या कहा है इसने? क्या आ गया? आसमान से आए है कौन ये? और क्या नाम बताया? तो तुम एक फरिश्ते हो। बिल्कुल आदि नागर, सर से लेकर पैर तक पूरा फरिश्ता। और ये बात तुमने सबको बता दी, यहाँ मौजूद एक एक शख्स को? उप्स, नहीं बतानी थी। मैंने ऐसा किया क्योंकि मैं सबको ये बात बताना चाहता था, पर भगवान, शायद भगवान सबको ये बात नहीं बताना चाहेंगे। जी हाँ, तुमने ये बात बता दी, लेकिन अब तुम क्या करोगे? जादू आदि नागे, शायद तुमने मेरा गाना ठीक से सुना नहीं। आतिशों सा मैं फरिश्ता, आग मेरे टशक, कोई खेल खेले ना मुझसे, मैं खेल बदल लें। तुम मेरे साथ चलो। भूल जाओ पिछले 5 मिनट में मैंने जो कुछ भी कहा, सब भूल जाओ। अरे यार, मैं यहाँ पे तो म्यूजिक बज रहा था ना, और डीजे
म्यूजिक क्यों बंद किया? मैं दारू लेके आता हूँ। पानी का है? पानी? अरे भाई यार, कमोन कमोन, हैव अ ड्रिंक यार। पानी? तो कैसा लगा मेरा करिश्मा? देख के खुशी हुई ना? वैसे जवाब देने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि जो तुमने किया वो देख के हमें बिल्कुल खुशी नहीं हुई। तुम्हें यहाँ किस लिए भेजा गया था तुम जानती हो ना? तुम्हें इस कलयुग में पुनर्जन्म दिया गया ताकि तुम अपना बदला ले सको, ना कि इन शैतान चीलों का अंत कर सको। पर तुमने क्या किया? एक चील को अपना दिल दे बैठी, इससे शादी कर ली और अब वो शादी ने भाग। मैं जानती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ, कुछ भूली नहीं हूँ मैं। और सारे इच्छाधारी चील बुरे होते हैं ऐसा है नहीं। जो बुरे थे मैंने उन्हें मार दिया अपने हाथों से, उन्हें उनके किए की सजा मिल गई। और जो बचे हैं मैं उनको ऐसे मौत के घाट नहीं उतार सकती। उन्हें अपने किए पे पछताने का मौका मिलेगा, उसके बाद उनकी सजा तय की जाएगी। यही नियम है, एक आदि नागिन का इंसाफ। इंसाफ नहीं बहाना है, कोरी बकवास है। और ये बात तुम भी अच्छी तरह से जानती, क्योंकि तुम्हारे इन पापियों ने कलयुग में सतयुग से भी ज्यादा बुरे कर्म किए, जिसकी कोई गवाही दुआई सफाई कुछ नहीं दी जा सकती। मैं जानती हूँ और नूर के साथ क्या हुआ था वो भी भूली नहीं हूँ मैं, इसलिए वो तीनों पापियाँ जिंदा नहीं है। और जो चौथा बचा है वो भी बचेगा नहीं, उसे उसके खीर की सजा मिलेगी, मैं कह रही हूँ। आधी नागिन, तुम बोलती बहुत ज्यादा हो, बस करती कम, और समझती तो उससे भी कम। अब एक मिनट, तुम्हारा मतलब क्या है? अकलमंदी की बात कर रहा हूँ, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुम्हारे पीठ पीछे चल क्या रहा है, इसलिए अभी भी वक्त है, सुधर जाओ वरना बाद में बहुत पछताओगी। एक मिनट, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, तुम कहना क्या चाहते हो? सपेरा बाबा, शुक्र आप मिल गए। मुझे पंडिताइन जी से बात करनी है, लेकिन मेरी बात नहीं हो पा रही है उनसे। तो मुझे भी उन्हें खोजना पड़ेगा, क्योंकि पिछले कई घंटों से वो मंदिर में लौटी नहीं है। अब सपेरा बाबा, तो फिर आप मेरी मदद कर सकते हैं? आज जो कुछ भी हुआ इस बारे में आपको कुछ भी नहीं बता सका। क्यों? मैं आदि नागिन हूँ और आप इस नाग मंदिर के रखवाले, तो आप मेरी मदद क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यही नियम है। किसने बनाया है ये नियम? कौन बनाता है ऐसे नियम? क्षमा करें आदि नागिन, ये आप अच्छी तरह से जानती हैं। क्यों कर रहे हैं आप ऐसा भोलेनाथ? मेरे इतने सारे सवालों के साथ आप मुझे ऐसे कैसे छोड़ सकते, जबकि सब कुछ बदल गया, अब तो इतिहास बदल गया है। जिसे मैंने शैतान समझा था वो असल में शैतान नहीं, और जिसे मैंने अपना सच्चा साथी समझा वो दगाबाज निकला, धोखेबाज निकला। आप तो सब कुछ जानते हैं ना, तो फिर आप ऐसे क्यों कर रहे, क्यों छुपाते मुझसे? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वरना मेरे ऊपर इतने सवाल क्यों उठ रहे हैं? मुझे जवाब दीजिए भोलेनाथ, क्यों हो रहा है ऐसा? क्या मेरा विराट से प्यार करना गलत है? मुझे जवाब दीजिए भोलेनाथ, क्यों हो रहा है ये? सारे जवाब स्वयं तुम्हारे पास ही है बेटा। मतलब तुम भगवान से सवाल कर रही हो, परंतु भगवान तो हम सबके अंदर ही है ना, अतः सवाल उनसे नहीं स्वयं से करो। लेकिन मुझे कोई जवाब मिलेगा? तुम्हें तुम्हारा जवाब अवश्य मिलेगा। एक बार शांत मन से अपने दिल और दिमाग की सुनो, अपनी अंतरात्मा को बोलने दो, जिसने वास्तव में ही तुम्हारे हम सफर को चुना है। उस अंतरात्मा से पूछो, क्या तुम्हारा प्यार गलत है? बुरी थी, बहुत बुरी, पर वो फिर भी माँ थी। नहीं, मैं गलत नहीं हूँ। तो बस, अगर ये तुम्हारा जवाब है तो यही जवाब उसका भी है, ऊपर वाले का। धन्यवाद बाबा। सौभाग्यवती भव।
इस कलयुग में पुनर्जन्म दिया गया ताकि तुम अपना बदला ले सको नागिन, पर तुमने क्या किया, एक एक चील को अपना दिल दे बैठी। एक आती नागिन का इंसाफ, इंसाफ नहीं बहाना है, कोरी बकवास है। कहां थी तुम्हारे, ऐसे पार्टी छोड़कर कोई जाता है क्या? कब से तुम्हें फोन ट्राई कर रहा हूं, फोन नहीं उठा रही हो। मैं घबरा गया था, परेशान, टेंशन में आ गया था। कुछ तो बोलो भानी तुम, दिस इज नॉट डन। अब तुम कुछ बोलोगी? अरे बोलो। खो गई थी। खो गई थी? अरे तो कॉल करती मैं आ जाता। नहीं, लेकिन मुझे मेरी राह मिल गई। जो तुम तक पहुंचती है वही है मेरी राह। विरांशु, बस एक बार मुझे मुझे गले लगा सकते हो? क्या बात है, आज पहली बार मेरी घरवाली ने मुझे हक करने की चाह जताई है। स्वीट हार्ट, अब तो मेरे रंग में रंग गई हो। क्या बात है, मुझे छोड़ना भी नहीं चाहती। काश ये पल बस ऐसे ही थम जाए, मैं इसे कभी ना भूलूं। वैसे मुझे पता है कि तुम्हें पता है, फिर भी मेरा मन कह रहा है कि मैं तुमसे कहूं। कि मैं तुमसे बेहद बेइंतहा मोहब्बत करता हूं। मैडली एंड टोटली लव यू। पानी, मेरे बारे में अब बदले में क्या कहोगे? बोलो। कुछ नहीं, क्योंकि मैं तुमसे कोई बदला नहीं लेना चाहती। सताओ मत, बस। मैं सता नहीं रही हूं, मैं सच कह रही हूं, क्योंकि अगर आज मैंने तुम्हें सब कुछ बोल दिया तो मुझे नहीं पता कि तुम ये सब कैसे हैंडल कर पाओगे। ऐसे तुमने सही कहा, आज पहली बार मेरे घरवाले ने हक से हक किया मुझे। अगर तुमने वो तीन शब्द कह दिए मैजिकल वर्ड्स, तो कहीं मैं खुशी से पागल ना हो जाऊं, मेरी बोलती ना बंद हो जाए। शायद तुम सही कह रही हो। तभी तो मैं तुम्हें बचा रही हूं सोया। ये नीचे क्या आवाज आ रही है? जो भी आ रही है आने दो, आज मैं तुम्हें जाने दे रहा हूं, लेकिन कल तुम्हें कहना पड़ेगा। देखो तुम जानती हो मुझे हर एक बात याद रहती है, मैं बहुत बहुत ज्यादा स्मार्ट हूँ, इसलिए अब कोशिश मत करना कर कि तुम फिर से भाग जाओ, ना कोई बहाना बनाओ। ठीक है,
जो तुम्हें काम करना तुम कल मुझे याद दिला देना। डील। ठीक है, बोल दूंगी मैं। ओके, डन। मैं याद दिलाऊंगा जब तक तुम बोल नहीं देती। फिर ये मत कहना, मतलब कोई शिकायत मत करना। आज से पहले की है मैंने कभी? नहीं ना, क्योंकि मुझे पता है कि विरांचू विरांचू है, कभी सुधरेगा नहीं, कभी बदलेगा नहीं। सही कहा तुमने। अब इससे पहले कि वो ऊपर आ जाए, लेट्स गो डाउन। चलो प्लीज हमारी हेल्प करो भाई। पुअर बेबी, चल से गाना है। चल मेरे संग संग खेले पलंग पलंग। अरे भाई आओ अरे बैठो, चलो चलो। ये भाभी आ गई, भाभी हमारी साइड आ गई। यस 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 यस। हो मम्मी, व्हाट हो? मैंने हर मूवीज में देखा है भाभी यहाँ देवरों के साइड होती है। भाभी आप हमारी साइड हो ना? हो ना, हो ना, मुझे पता है, हो ना। चुप करो, इसे भाभी भाभी बोल के ये मत समझना कि तुम्हें तुम्हारी की किस सजा नहीं मिलेगी। मैंने क्या किया? तुम जानते हो कि तुमने क्या किया, और मैं भी बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ कि तुमने और मोनिल ने मेरी दोस्त नूर उसका क्या हाल किया था। और यही नहीं, तुम और तुम्हारे घर वाले कैसे औरतों की खरीदारी और बेचने का घिनौना काम करते हो, ये सब कुछ मालूम है मुझे, और इसलिए इस किए की सजा मिलेगी तुम्हें। इंसाफ यही होता है, लेकिन ये कलयुग है, यहां पे इंसाफी होती है, इससे तुम्हारे पापों की सजा मेरे विराजू को भी मिलेगी। अभी तो हमने क्या डिसाइड किया, बताइए ना किसकी साइड है आप? सही के साइड, आजकल और हमेशा। वेल प्लेड बानी, हाँ घरवाली। थैंक यू। ओए क्या हो गया तुझे? विरांचु नहीं है तुम? कोई नहीं है घर पे। तुमने मेरे साथ चलाकी की, होशियारी, ताकि मैं उन्हें बचा सकूं जिनकी मुझे परवाह है। ओ, सच में? मेरे अपनों के साथ बाकी भी सुरक्षित हैं। फिलहाल के लिए मैं बाद में उन्हें... क्या बाद में क्या करोगी? उनको सबक सिखाओगी? हंटर से मारोगी? सटाक सटाक। मेरी प्यारी आदि नाके, चलो एक काम करते हैं, सब कुछ तुम्हारे हिसाब से करते हैं। अभी तुम इन सब लोगों को सुरक्षित रखना चाहती हो ना? ठीक है, तो जब तक इन पापियों को इनकी सजा नहीं मिल जाती, तब तक तुम्हें सजा मिलेगी। तुम्हारा इन सब लोगों की परवाह करना है, इनको
इनको बचाना, इनसे प्यार करना और प्यार करते जाना, ये सब तुम्हें जीते जी नरक में ले जाएगा आदिना के। ये जो तुम्हारे सपनों की दुनिया है ना, इसको मैं जन्नम बना दूंगा या जन्नम से भी पत्थर। लेकिन मैंने सुनो, ये क्या कह के गया, मतलब क्या था इसके कहने का? My God, बानी आप मजा आया बिना प्लान के प्लान करके। पहाड़ों पे फार्म हाउस में, वाव सब कुछ कितना सुंदर था। थैंक यू जीजू। थैंक्स मुझे नहीं, बानी को कहो, प्लान उसका था। थैंक यू बानी इतना अच्छा प्लान बनाने के लिए। पर अफसोस इतना अच्छा प्लान बना के भी तुम खुद तो हमारे पास आ ही नहीं पाए। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी ना, अब कैसे तुम्हारा हेडेक? मैं ठीक हूँ, मेरा हेडेक भी ठीक है, सर दर्द ठीक है। अब तो तुम लोगों को मजा आया ना? मजा, अरे बहुत मजा आया। थैंक यू। तुमने हमें वन ट्रिप पे क्यों भेजा? आई मीन कहीं ऐसा तो नहीं है कि आने से पहले आखिरी इच्छा पूरा करने जैसा कुछ? ये मैंने वीरांशु की खातिर किया। पर मैंने तपेश भाई, वीरांशु कहाँ पे है? वीरांशु किसी ने मुझे याद किया? मैं यहाँ हूँ। It was so much fun, बहुत मजा आया। तपेश भाई बहुत मजा आया। फिर तो आपको पता होगा कि आपको किससे थैंक्स कहना है। आज मैं तुम्हें जाने दे रहा हूँ, लेकिन कल तुम्हें कहना पड़ेगा। ठीक है, तो तुम्हें काम करना, तुम कल मुझे याद दिला देना। किसे थैंक्स कहना भाई? हाँ किसे? ए, अब ज़्यादा बन मत। तुझे याद नहीं प्लान किसने बनाया था कि भूल गया? आज हमें कुछ भी भूलना अलाउड नहीं है। इनफैक्ट उल्टा तुम्हें मुझे कुछ याद दिलाना है। याद है ना क्या? एक्सक्यूज मी। अरे जीजू, पर प्लान तो बानी का था ना? हाँ। बानी कौन? ओहो हो, आखिर ये हो ही क्या? मैंने कल रात ही तुम्हें श्राप दिया था ना आदिना के। तो जब तक इन पापियों को इनकी सजा नहीं मिल जाती, तब तक तुम्हें सजा मिलेगी। और देखो बिल्कुल वैसा ही हुआ, मेरा श्राप लग गया और सच भी हो गया। और अब वीरांशु सिंघानिया पूछ रहा है कि बानी कौन है। बानी कौन? अरे जीजू, आप ऐसा कैसे बोल सकते हो? ऐसे कैसे? You know what? कल रात मैं बहुत पीड़ी थी, मुझे एक स्ट्रॉन्ग ब्लैक कॉफी चाहिए। कौन ब्लैक? तुम नहीं हो ना? लेकर आओ। वीर, तू से ऐसे बात नहीं कर सकता, वो बानी है कोई मेड। Exactly. कैसी मेड हायर की तपेश भाई, कुछ सिखाओ यार। मुझे एक स्ट्रॉन्ग ब्लैक कॉफी चाहिए, नो शुगर नो मिल्क। मैं जाओ लेकर आओ। अभी तक खड़ी हो? अरे जाओ। अब मैं खाता हूँ, मुझे कॉफी कैसे पसंद है, ताकि अगली बार तुम मुझे खड़े होकर घूरो मत। कम कम आ लीजिए। कम 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 आओ, मैं बताता हूँ कॉफी कैसे बनाते हैं। चलो। वैसे तुम मेड तो हॉट हो, लेकिन काम तुम्हारा उतना ही ठंडा है। चलो चलो, कम 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 कॉफी बनाओ, पानी डालो। कम ऑन, पानी डालो। चलो जल्दी, कम ऑन। मैं भी आता हूं। कि मैं तुमसे बेहद बेइंतहा मोहब्बत करता हूं। तुम आज मुझे याद दिलाने वाले थे वीरांशु, और खुद भूल गए। ये सब तुमने किया? बिल्कुल, इसका पूरा का पूरा क्रेडिट मुझको ही जाता है। तुम्हें क्या लगा मैं ऐसी हवा में धमकी दे रहा हूं? ना 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 अधीना के, तुमने गलत लोगों का साथ दिया, इसलिए तुम्हें सबक तो सिखाना ही था। तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। अब तो कर चुका, अब क्या करूं? अब जाओ, अपनी नर्क से बदतर जिंदगी जी लो,
क्योंकि क्या है ना, वो झील तुम्हें पहचानेगा नहीं और तुमसे इतना दुखी हो जाएगा कि खुद तुत्कार कर तुम्हें घर से निकाल देगा। इससे पहले कि वो तुम्हें कुछ सुनाए, तुम्हें कुछ गलत बोले, तुम उसको कुछ खिला पिला दो। और हाँ, जितनी भी चीनी डालोगे ना कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी तो करेले से भी कड़वी होने वाली। अब क्या है ना, तुम्हारा ये जो प्यारा चील है ना, वो तुम्हारे आसपास रह नहीं पाएगा, तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, तो मजबूरन तुम्हें तो उससे दूर जाना पड़ेगा। और जब तुम ऐसा करोगी ना तो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि कब मैं अपना पूरा काम कर दूंगा, उस चील को हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से। से क्या कहा था कि तुम्हारे पीछे कुछ बहुत ही बड़ा चल रहा है, बहुत ही बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है, काला, गहरा, खतरनाक, एक ऐसा खतरा जिसका तुम्हें अंदाजा भी नहीं, और वो जब आएगा तो टाला नहीं जाएगा, सब कुछ तबाह कर देगा। हाँ बानी, तबाही तो मैं करूंगा, आखिर तुम्हारी जिंदगी का गहरा, काला, खतरनाक खतरा मैं ही तो हूं, जिसने तुम्हें और वीरांश को अलग करने की बहुत कोशिश की लेकिन नाकाम रहा। लेकिन अब लगता है कि मैं कामयाब हो जाऊंगा, सब इस फरिश्ते की मेहरबानी। लेकिन इसकी भी कमजोरी है, फरिश्ता है ना, परियों की दुनिया से आया है, अच्छी आत्माओं की दुनिया से, इसलिए किसी में बुराई नहीं दिखती, तभी तो मेरी भी बुराई नहीं पहचान पाया। इसने तो मेरी हिम्मत और बढ़ा दी, अब मैं पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक हूं पानी, तैयार रहना, अब तुम्हें कोई फरिश्ता नहीं बचा सकता। क्या वीर वाकई में पानी को भूल गए? सर ये कोई बहुत बड़ा असरदार जादू लग रहा है, सच में बानी की हालत बहुत खराब है। वीर भाई को लगता है कि वो हमारी नौकरानी है। हम जाके वीर भाई ने पहचाने। तो अच्छा ही है ना, अब वो हमें पहले की तरह धमकाएगी नहीं जैसे कल धमकाया था। हाँ क्या? हाँ पापा, उसने कहा कि हमारे सारे काले धंधे जानती है, सारे बिजनेस जानती है, और वो उसकी सजा देगी हमें, दूसरे शब्दों में मार डालेगी। ऐसा बोला उसने? उसको बोलने की जरूरत है क्या डैड? फिलहाल के लिए मैं उसके कुछ बुक्स में रहना होगा ना, शक्तियाँ जो चाहिए उसकी। आई एम सॉरी चाचू, इन सब में मैं आपके साथ नहीं हूँ। वो तो तू पहले से भी नहीं था। लेकिन पवन सर, हमारे इतने दिनों शांत रहने के बाद भी उस आदि नागिन की शक्तियाँ हमें अब तक नहीं मिली। शुक्ला जी, बड़े पापा आप बताइए आगे क्या करना है। फिर मुझे याद करने की कोशिश करो, तुम मुझे जानते हो, मुझे जानते हो, यू नो मी। मेरा तो पता नहीं लगता है तुम मुझे अच्छी तरह जानते हो, इसलिए तुम मुझे वीरांशु सर नहीं, वीर कहकर बुला रहे हो, क्योंकि शायद तुम अपने आप को इस घर की मेड नहीं मालकिन समझते हो। बेब्स, क्या कभी मैं तुम्हारे साथ फ्लर्ट किया, कहीं मीठी मीठी बातें कही तुमसे, कहो ना क्या ऐसे कुछ किया? नहीं, अगर किया हो तो समझ जाओ कि मैं ऐसा करता हूँ, अपने आप को इतनी खास मत समझो, क्योंकि ऐसी मीठी मीठी बातें मैं करता हूँ, इसलिए तुम अपने आप को इतनी खास मत समझो। खास हूँ मैं, तुम्हारी बीवी हूँ मैं, बानी वीरांशु सिंघानिया हूँ मैं। हाँ, याद आ गया, सब कुछ याद आ गया। सच्ची
सच में सब कुछ सब कुछ कि ये सब कुछ क्या कराया मेरे भाइयों का, मेरे कमीने भाइयों का, मतलब उन्होंने तुमसे कहा ये सब करने के लिए ना, ये प्रैंक मेरे कमीने भाई डॉक्स पंके, मेरे कमीने भाई कहो तुम लोग, विराट चुप, डॉक्स पंके, विराट चुप प्लीज, हेलो तुम लोग क्या ये, क्या ये विराट चुप, ये घटिया प्रैंक तुम लोगों ने किया ना, तुम लोगों ने इससे बुलाया ना कि इससे मेरी शादी हुई है, विराट चुप प्लीज, विराट चुप यार, बेब्स तुम इतनी कैजुअली मेरा नाम नहीं ले सकती हो, कौन है यार ये विरांशु क्यों बोले, विरांशु सर बोलना चाहिए इसे, फिर तू बानी से ऐसे बात नहीं कर सकता, उसे पूरा हक है तुझसे ऐसे बात करने का, वो बीवी है तेरी, ब्रो आप ही तबे ठीक है आपकी, आप भी इन कमीनों के साथ, मुझे हजम नहीं हो रहा है, तपेश भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं, तपेश भाई यार किसी के साथ तो फ्लर्ट करो, हाँ लेकिन इसके साथ नहीं, ये थोड़ी पागल है, गले पड़ जाएगी, विराट चुप प्लीज मेरी बात, ये क्या क्या बकवास है यार ये, हाँ क्या मतलब कुछ सर पे नहीं है बात का, मतलब मैं विरांशु सिंघानिया इटर्नल बैचलर शादी करूंगा साथ में लूंगा, व्हाट अ ब्लडी जोक, विरांशु मैं जानती हूँ कि ये बात सुनने में बहुत बड़ा मजाक लगता है, लेकिन ये सच है, तुमने मुझसे शादी की है, तुमने ओके इनफ पहले मुझे ये घटिया मजाक अजीब लग रहा था, मजा आ रहा था, आई वाज एंजॉयिंग इट, लेकिन अब मैं इरिटेट हो रहा हूं, प्लीज शट अप, जाओ काम करो अपना, नौकर हो ना वरना नौकरी से बाहर, मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगी जब तक तुम मेरी बात पे यकीन नहीं कर लेते, मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगी, ये कौन है, कहां से आई है, क्यों गले पड़ रही है, ये लड़की स्टॉकर है, पीछा करने वाली, हाँ भाई ये वही है जो लुका छुपी करके ना वो क्या बोलते हैं आपसे चिपकना चाहती है, हाँ आपने इसे निकाल दिया था तो इससे बर्दाश्त नहीं हुआ तो इसलिए घर में आ गई है मेड बन के, दक्ष पौकी तुम क्या बकवास कर रही हो, तपेश भाई यही सच है, You know what? I need a bloody drink. I need a drink. Viraju, please. ये दोनों झूठ बोल रहे हैं। Side. मैं तुम्हारी कोई stalker वॉकर नहीं हूँ। मैं तुम्हारी बीवी हूँ जिससे तुम प्यार। Side हटो मेरे। Viraju, please. Viraju, मैं तुमसे कुछ। Just shut up. Shut up. मतलब समझती हो? Viraju, तुम्हें क्या? दफा हो जाओ. Just go, leave. मैं तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, जिसको गाइस मुझे मेरे रूम में जाना है, मुझे कोई छुटकारा दिलाओ उससे, वो तुम्हारे आसपास रह नहीं पाएगा, तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, तो मजबूरन तुम्हें तो उससे दूर जाना पड़ेगा, मुझे मेरे रूम में जाना है, तू समझ आ पाओगे, चल क्या यार पोंकी, तूने कभी ऐसा सोचा था कि ऐसा दिन भी आएगा जब वो जहरीली नारियल, ओए हाथ तो नहीं गई, हट तो डरने वाला नहीं हूं मैं, अरे रिलैक्स, मैं तो डराने आया भी नहीं हूं, मैं तो बस ये बताने आया हूं कि बहुत अच्छा मौका है, हाथ से जाने मत देना, ओके, अरे यार फिर अंशु सिंघानिया ने पानी को बुला दिया है, अब चली बत्ती, हाँ अरे वो नागिन जो तुम सबको मिटा देना चाहती थी आज उसके आखिरी साथी ने उसका साथ छोड़ दिया, और तुझे लगता है इसके बाद वो तेरी हो जाएगी, अगर तुम दोनों ने मेरी मदद की, कभी नहीं, तू जैसे आस्तीन के सांप के लिए तो मेरी जूती भी कुछ ना करे अगर बदले में भरपूर पावर मिली तो भी नहीं, मतलब ये कि तुम दोनों वीर और बानी की जोड़ी तोड़ने में मेरी मदद करो ताकि मैं बानी को यहां से कहीं दूर ले जा सकूं, उस पे काबू पा सकूं, और एक बार ऐसा हो गया तो मैं उसकी शक्तियों का जैसे चाहे वैसे इस्तेमाल कर सकूंगा, विराट
किसी के साथ भी बांट सकूंगा। तुम दोनों के साथ भी। अरे यार सोचो, तुम्हारे बड़े पापा ये सुन के कितना खुश होंगे। और क्या पता तुम वीर की परछाई छोड़ के अपनी कोई पहचान बना सको, उससे बड़े चील बन जा, उससे कहीं ज्यादा पावरफुल। वो तो ठीक है, लेकिन मुझे नागों से डर लगता है। मैं तैयार हूँ, मगर याद रहे मैं कोई भी खतरे को भाप सकता हूँ और होने वाले धोखे को भी। इसलिए मेरे साथ कोई भी चलाकी करने की सोचना भी मत, वरना मैं भी उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा, ये वादा है मेरा। मुझे पता चला, ऐसा कैसे हो सकता है? वीर तुझे कैसे भूल सकता है वानी? सच में वानी, मुझे तो यकीन भी नहीं हो रहा कि वीर वो तुमसे इतना प्यार करता है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है। इसमें फिर आ चुकी कोई गलती नहीं है, ये जादू का असर है जो बहुत असरदार है। और सबकी जिम्मेदार मैं हूं। मेरी एक गलती से पूरा इतिहास बदल गया।